अक्सर हम जो सोचते हैं तकदीर उससे उल्टा ही कर देती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में पेश हुआ। यहाँ पर हत्या करने आए युवक की हत्या हो गई। इस हत्या के पीछे एक रोचक कहानी सामने आई। दरअसल एक लड़की की वजह से मृतक सोनू अपने अन्य तीन साथियों को लेकर राजकुमार सोनकर नामक युवक की हत्या करने पहुंचा था, लेकिन हमले के दौरान हुई हाथापाई में सोनू की ही जान चली गई। दरअसल सोनू और राजकुमार के बीच एक युवती को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते सोनू अपने तीन अन्य दोस्तों को लेकर राजकुमार सोनकर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में न्यू इंदिरा नगर स्थित गैरेज पर पहुंचा था। सोनू ने राजकुमार पर चाकू से हमला किया, जिससे राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन सोनू और राजकुमार के बीच हुई हाथापाई में उसी चाकू से सोनू की हत्या हो गई। हत्या के बाद सोनू के तीन साथी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, ये मेरे हस्बैंड गाड़ी मैकेनिक है, टू व्हीलर के। तो मेरा बड़ा बेटा राजेश्वर और मेरे हस्बैंड राजकुमार सोनकर दोनों मिलके गाड़ी का काम कर रहे थे। चार जने ऑटो से आए और आने के बाद में दो तो पहले आके खड़े हो गए और पूछते कि राजकुमार किसका नाम है। तो मेरे मिस्टर ने बोला मेरा नाम है, क्या हुआ? तो बोले भैया गाड़ी का काम करवाना है। उन्होंने बोला ठीक है भैया कर दूंगा। बोले मुँह पे इन्होंने कपड़े बांध रखे थे, उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो बोले ठीक है भैया कर दूंगा। बोले कौन सी गाड़ी है? तो बोले कि ना गाड़ी हम ले आएंगे। बोले तो आप कितना क्या खर्चा आएगा? तो बोले काम देख के बताऊंगा। इतनी बात करी, इतने में जो लड़के की डेट हुई ना, ये आया सामने से दौड़ के और एकदम उसने मेरे पति को ऐसा चाकू मारा, यहाँ पर एक इधर मारा, एक इधर के हाथ में मारा, तो एकदम गिर गए। वो चाकू मारने लगे तो गिर गए। उन्होंने उसको, वो पीछे जो लड़के थे ना दो, उन्होंने चाकू निकाल के मेरे हस्बैंड को पेट पे मारने लगे ना, तो इन्होंने उस लड़के की कालर पकड़ के खींचा तो उनके ऊपर गिर गया वो। तो उस लड़के को चाकू लग गया, लड़के मार रहे थे जो, उस लड़के को चाकू लग गया। उसके बाद में फिर उन्होंने उसको धक्का दिया ना, फिर उन्होंने तीन चार चाकू फंसा, फिर मेरी गुड़िया वगैरह बच्चों ने पकड़ लिए थे उनको, पकड़ा उसको। और इतने में तो फिर सब भीड़ भीड़ आ गई, तो फिर भाग गए वो लोग। जानकारी मिली थी कि न्यू इंदिरा एकता नगर में एक राजकुमार सोनकर है, उसको जानकारी मिली किसी ने चाकू मारे। जब स्टाफ में भेजा गया तो वहाँ दो लोग घायल थे, इनको हॉस्पिटल भेजा, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल जाते मौत हो गई है। उसको भी चाकू लगे, सीने में चाकू है, जिसे डॉक्टर मौत होना बताते हैं, और बाहें में भी है, पैर में भी है। लेकिन राजकुमार सोनकर का ये कहना है कि मैं दुकान पे था अपनी, एक गैरेज टाइप की है उसकी, वो साइकिल मोटरसाइकिल सुधारता है, बोले बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया, मेरा नाम पूछा और मुझे चाकू मारे। अभी वो ये नहीं बता रहा है कि मैंने उसको मारा है, बोले हो सकता है उसको गिरने में लग गया हो। लेकिन प्रथम दृष्टा ये लग रहा है कि इनका कुछ विवाद हुआ है, राजकुमार का और मृतक का, और राजकुमार को भी लगे, और संभव तो अभी तक जो लग रहा है कि हो सकता है कि ये नहीं, लड़की की जानकारी हमको भी नहीं मिली। अब ये जानकारी मिल रही है कि ऑटो में दो व्यक्ति आए थे, एक ऑटो लेके आगे खड़ा हुआ था जो फुटेज में दिख रहा है, और ये व्यक्ति उतरा था जिसका मर्डर हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि उस सवारी लेके आया हो और या उसका साथी हो, इस बारे में विवेचना टीम लगी हुई है, अभी फुटेज देख रहे हैं। मृतक कि जो अब देखा है उसको, तो करीब 25-26 साल का एक दुबला पतला युवक दिख रहा है, हल्की दाढ़ी है, और दाहिने हाथ में एस, इंग्लिश का एस बना हुआ है, और बाएं कान में बाली पहना हुआ है। और अभी तो इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही इसमें देखते हैं आगे जो भी पता पड़ता है। फुटेज अभी टीम लगी हुई है, दो तीन जगह ऑटो जाता दिखा है। ये इंदिरा एकता नगर शांति नगर से लगा हुआ है, वहाँ की बातें हैं।